आज हम तीन सीक्वेंस से शूट कर रहे हैं। एक तो आपने अगर पहले देखा जिसमें जीप में था, वहाँ पर ऐसे सिचुएशन में है कि अगर वो जीप को मैं सिटी से या एक पॉपुलेटेड एरिया से दूर नहीं लेकर गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो एक मुश्किल में हूँ और एक सोल्यूशन का की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके लिए मुझे बहुत तेज़ चलानी है गाड़ी और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करना है। जो दूसरा हमारा एक्शन सीक्वेंस है जिसमें आदा भी हैं, वो मेरे पीछे बाइक पे बैठी हुई हैं, और जो उनका कैरेक्टर है वो बिल्कुल डर नहीं रहा है कि मैं जिस तरह से बाइक चला रहा हूँ। तो वो एक फ्लैशबैक है, एक लाइट हार्टेड एक्शन सीक्वेंस है जहाँ पर मेरा कैरेक्टर इनको अपनी नई बाइक दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें ये भी एस्टैब्लिश होता है कि जो मेरा कैरेक्टर है उसको बाइक्स बहुत पसंद है, और क्योंकि आगे जब एक्शन होगा तो एक लॉजिक होना चाहिए। बट रियल लाइफ में आई थिंक अदा बहुत ज्यादा डरती हैं बाइक से। आई एम रियली टेरिफाइड, और रणविजय बहुत फास्ट बाइक चलाते, बहुत बहुत ज्यादा फास्ट बाइक चलाते हैं, तो मैं काफी डरी हुई हूँ। तो एक्सपीरियंस कैसा था ये जो फर्स्ट टाइम? मेरे को पहली बार अभी बाइक पे चढ़ने से पहले आदा ने बोला कि जितनी बारी मैं बाइक पे चढ़ी हूँ मैं हमेशा गिरी हूँ, जिसके साथ भी मैं बाइक पे चढ़ी हूँ मैं गिरी हूँ। तो मैंने कहा अगर ऐसी पनवती है तो मत चढ़ बाइक पे, बट अभी क्या करें कि शॉट ही ऐसा है, सो शी सिटिंग बिहाइंड एंड सीन में भी ऐसा है कि वो इंजॉय कर रही है, लेकिन तो जितना भी अगर आपको लग रहा है एंजॉय कर रही है उसकी एक्टिंग का पूरा अवार्ड देना पड़ेगा कि क्योंकि अंदर से बिल्कुल डरी हुई है, और जैसे ही कट होता है तो एकदम भगवान का नाम लेना शुरू कर। यहाँ पे जो स्टंट हो रहे हैं वो सब रियल लाइफ में हो रहे हैं, अगर चोटें लगती हैं वो भी रियल लाइफ में लगती हैं, बट ये एक वजह है जिसकी वजह से आई थिंक विपुल सर ने मुझे इस शो के लिए चुना, और यही वजह है जिसके लिए मैं ये शो करना भी चाहता था, क्योंकि अगर आप एक मेजर का रोल अदा कर रहे हैं और उसमें रियल लाइफ में आपको कोई भी एक्शन का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है तो आई डोंट थिंक एज अ कैरेक्टर आप बिल्कुल भी रिलेट कर पाएंगे। तो मुझे थोड़ी सी मदद मिलती है कि हाँ यार, जो हमारे सुपर हीरोज हैं जो फौज में ऑफिसर्स हैं, दिस इज़ व्हाट दे गो थ्रू, एटलीस्ट कुछ लेवल उसका, बहुत बहुत कम लेवल, बट क्योंकि मैं अपनी निजी रियल लाइफ पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने का शौक रखता हूँ, तो उससे थोड़ा सा आसान हो रहा है, लेकिन क्योंकि आप शूट कर रहे हो और हम लोगों ने ऐसे सीक्वेंसेस शूट किए जो फिल्मों में भी नहीं हमने देखे या मैंने तो नहीं किए, तो बहुत प्लानिंग होती है और मुश्किल होता है, लेकिन सब खुद करने के चक्कर में एक्साइटमेंट में एड्रेनलिन में दर्द वर्द पता नहीं लगता, वो अगले दिन सुबह उठ के नहाते टाइम पता लगता है। अच्छा आदा, आपने पहली बार एक्शन सीक्वेंस किया है तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस है? मैं एक्चुअली कर नहीं रही हूँ, रणविजय कर रहे हैं, मैं सिर्फ पीछे बैठी हूँ, सो आई एम जस्ट बीइंग लाइक मैं नहीं कर सकता जो ये कर रही हूँ। मैं बहुत सारा एक्शन कर चुका हूँ और बहुत सारी चीजें कर चुका हूँ, लेकिन किसी के पीछे बाइक पे बैठना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये कैसे करनी है मुझे नहीं पता, स्पेशली जब इनको डर भी लगता है। तो आई थिंक राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू एंड कूडोस टू यू कि आप बाइक पे किसी और के पीछे बैठना मेरे लिए भी कंफर्टेबल नहीं है। कहा जाता है कि बाइक में अगर दो जन हो, मतलब एक जन तो कैसे भी करके राइड कर लेगा, लेकिन दो जन हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बढ़ जाती है, और जो पीछे वाले की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है 100%। उसकी बात करें तो किस तरह का वो आपको आदा से पूछना चाहिए कि चाहे वो स्टंट हो या चाहे वो रियल लाइफ में अगर मैं चला रहा हूँ, अगर वो मेरे पीछे बैठी तो डज शी फील सेफ, डज शी फील लाइक कुछ हो जाएगा कि नहीं, वो तो वही जवाब है। बहुत कॉन्फिडेंटली चला रहे हैं ना, ही सीम्स लाइक आई एम जस्ट राइडिंग दिस बाइक एट रियली फास्ट स्पीड, बट एज लॉन्ग एज ही सीम्स कॉन्फिडेंट आई थिंक तो थोड़ा आई थिंक इनका वो जो जिंक्स है बाइक पे बैठ के बैठने के बाद गिरने वाला वो टूट गया, टूट जाएगा, डोंट वरी, आज तोड़ना है। अब तुम अपने सारे दोस्तों को फोन कर सकते हो और उनको बोल सकते हो कि अब मुझे बाइक राइड पे ले जाओ, लेट्स फिनिश टुडे सेफली, वन पीस अलाइव देन। Absolute pleasure, Claude. Thank you so much. It's always a pleasure and such joy to meet up again with my Longines family, as I say. Truly, 15 years.